हेलो फ्यूचर डॉक्टर, तो आज बात करते हैं नीट की सीट एलोकेशन की। जैसा कि आप सबको पता है, इस साल 23,81,833 स्टूडेंट्स यानी कि अप्रोक्स 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट अपेयर किया है फॉर 1 लाख सीट्स के लिए। तो अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो जनरल के लिए 615, ओबीसी के लिए 610, एसटी के लिए 472 और एससी के लिए 510 रहने वाली है। लेकिन अगर हम एक सेफेस्ट स्कोर की बात करें तो जनरल के लिए आप 630 मान सकते हैं, ओबीसी के लिए 620, एसटी के लिए 480 और एससी के लिए आप 530 टू 535 मान सकते हैं। यस, ये टेंटेटिव कट ऑफ है, तो आप इसमें प्लस माइनस 10 कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके सेफेस्ट स्कोर मार्क्स आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके लेस देन 600 मार्क्स हैं। तो उनमें भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। मोस्टली स्टूडेंट्स इनमें मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं जो ना तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही जिनको गवर्नमेंट सीट अलॉट होती है। ऐसे स्टूडेंट्स के पास एक और ऑप्शन होता है स्टडी अब्रॉड का, जहां पे आप कम बजट में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि इंडिया में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ लिमिटेड सीट। अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइन आप ऐसी यूनिवर्सिटीज भी चूज कर सकते हैं जो कि एनएमसी की गाइडलाइन फुलफिल करती हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि एनएमसी की गाइडलाइन क्या है तो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर नेक्स्ट वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन दिस नंबर एंड ऑन दिस वेब।